स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर फाइव सर्कुलर मोशन इसका टॉपिक जो मैंने आज पढ़ाना है आपको वो है मूमेंट ऑफ एनर्जिया इससे पहले वाले जो टॉपिक्स थे वो आपको मे सहरा पढ़ा चुकी हैं मैंने आज, आज आपको पढ़ाना है मूवमेंट ऑफ एनर्जिया सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे डेफिनेशन क्या है कि एक प्रोडक्ट है किसका प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ द बॉडी एंड इट्स

अब इसमें हम कंसीडर करेंगे एक रिजिट मैस है ये देखें ये एक रिजिट मैस है इसको अटैच किया हुआ है एट द एंड ऑफ ये देखें ये रॉड है जो कि फ्रिक्शन है फ्रिक्शन लेस मैस रॉड है इसके एंड में उसको अटैच किया है मैस को मैस एम है अब हम एज्यूम करेंगे कि ये पाइबोर्ड पॉइंट ओ जो है ये फ्रिक्शन है अब यहाँ पे सिस्टम तो पूरा सिस्टम है ये वाला कौन सा सिस्टम ये मैस मैच तो अटैच किया हुआ है मैस रॉड के साथ ये पाइवोड पॉइंट है ये एक हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर है अब इसके ऊपर देखिए एक फोर्स एक्ट कर रही है ये फोर्स है अब ये फोर्स जो है इस रॉड के परपेंडिकुलर है अब यहाँ पे ये इस फोर्स की वजह के से इस जो है बॉडी के अंदर जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग तो टू लॉ ऑफ मोशन एफ फिजिकल टू एम ए अब ये फोर्स होंगी इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर, कर रही है जो जो है एक्सेलरेशन इस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगी इस फोर्स की वजह से अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो किस तरह से रिलेटेड है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ ये देखिए ये ए टी ये क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन इन अ लाइन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू तो आर इन एल्फा तो एल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन अब ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे F इज इक्वल टू एम ए ए की जगह हम लिखेंगे r इन टू एल्फा एल्फा वट इज एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जो है यहां पे इस टॉर्क की वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होगा टॉर्ज से रिप्रेजेंट करेंगे अब इस पूरी इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन जो फोर्स वाली है इसको अगर हम r से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगी आर एफ इज इक्वल आर का स्क्वायर अल्फा अब ये क्या है आर एफ क्या है टॉर्क आर एफ क्या है टॉर्क आपको मालूम है कि टॉर्क किसके बराबर होता है ये भी प्रोडक्ट है आर इसका डिस्टेंस एफ फोर्स तो ये आर एफ इज इक्वल टू टॉर्क और किसके बराबर है एम आर स्क्वायर अल्फा जो कि जो है न्यूटन के सेकंड ऑफ के जो है एफ इजिकल टू एम से रोटेशनल एनालॉग है अब यहाँ पे हम रिप्लेस किया हमने यहाँ पे आर एफ की जगह क्या लिखा है टॉक टॉक को रिप्लेस किया है ए को हमने रिप्लेस किया है अल्फा के साथ और एम को एम आर के स्केयर के साथ और एम आर स्केयर हमें मालूम है क्या है मूवमेंट ऑफ एनर्जिया मैंने आपको स्टार्ट में बताया इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं मूवमेंट ऑफ एनर्जिया है अब मूवमेंट ऑफ एनर्जिया जो है जो है वो ही रोल प्ले करती है जो है इन द जो है एंगुलर मोशन में जो कि मैथ करती है लीनियर मोशन में अब देखेंगे कि डिपेंड किस पे करती है मूवमेंट ऑफ एनर्शिया किस पे डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ एनर्शिया एक तो मैथ पे डिपेंड करता है और साथ में जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर स्क्वेयर उस पर डिपेंड करता है और इसी तरह से जो है इसकी डिपेंडेंस इस तरह जो है ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथ एंड पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकली जो है इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैस एंड पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन आप देखिए ठीक है अब ये जो है इट इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस एन नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ मैसेस अब हर स्मॉल पीस जो है जिसका मैस एम है जो इस बॉडी के अंदर है रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी के अंदर है वो जो है सी, इसका सेम एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अबाउट द पाइवोड पॉइंट ओ ये पावोर्ड पॉइंट ओ दिया हुआ है देखिए ये पाईवोड पॉइंट ओ इसके अबाउट इसका एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा तमाम जो है मैसेज का अब देखिए एम वन का डिस्टेंस क्या है ये है एम वन का डिस्टेंस पाईवोड पॉइंट से एम आर वन एम टू का आर टू एम थ्री का ये एम थ्री है इसका डिस्टेंस कितना है आर थ्री ओ से एम फोर का कितना है आर फोर है इस तरह से सो ऑन एम एन का क्या होगा आर एन होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ से अब बॉडी रोटेट कर रही है विद द एंगुलर एक्सेलरेशन ओ जो है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ अब मैग्नीट्यूड जो है टॉर्क का क्या होगा एम वन के ऊपर सबसे पहले हम देखेंगे एम वन एम वन के ऊपर जो टॉग एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी टॉ वन इज इक्वल टू एम वन आर वन का स्क्वेयर एल्फा वन इसी तरह से सेकेंड मैथ लेंगे एम टू ये एम वन था ये एम टू है एम टू के ऊपर देखेंगे टॉग एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी टॉ टू इज इक्वल टू एम टू आर टू का स्क स्क्र और एल्फा टू ये M2 इसके बाद देखेंगे M3 ये है M3 इसका डिस्टेंस आर थ्री है एग्जूटेशन से तो टॉर्क क्या होगा इसका टौर इस, टौर इस इक्वल थी, आर थी का स्क्वायर इसमें मैंने आपको पहले बताया एंगुलर एक्सेलरेशन है, है। इसका पार्ट जब लेंगे तो उसका टॉर्क क्या होगा टॉ एन इज इक्वल टू एम एन आर एन का स्क्वायर एल्फा एन अब जो है बॉडी रिजिड है तमाम जो है जितने मैसेज हैं इसके एन नंबर ऑफ मैसेज हैं वो रोटेट कर रहे हैं विद द एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ तो, तो टोटल टॉर्क जो है क्या होगा इसका टॉ टोटल इज इक्वल टू जो है टॉ टोटल टौर्ट ये किसके बराबर होगा टॉ वन प्लस टॉ टू प्लस टॉ थ्री प्लस सो ऑन प्लस टॉ एन

एन नंबर ऑफ मैसेज हैं तो वो सेम एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ जो है मूव कर रहे हैं यानी कि इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी वो सिमिलर होगी तो यहाँ पे हम अल्फा जो है कॉमन निकालेंगे एम वन आर वन का स्केयर प्लस एम टू आर टू का स्केयर प्लस सो so ऑन प्लस एम एन आर एन का स्केयर और हमने इसको कॉमन निकाल लिया एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा को अब इस सारा जो हमने ये जो है पार्ट है इसका m1 r1 का स्केयर प्लस m2 r2 का स्केयर प्लस सो ऑन प्लस एम एन आर एन का स्केयर इसको हम लिखेंगे समेशन की फॉर्म में समेशन i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू वन टू n एम आई आर आई का स्केयर यानी कि यहाँ सब स्क्रिप्ट में हमने i लिख दिया सबको प्लस करके समेशन में लिखा है समेशन i इज इक्वल टू वन टू n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके नंबर ऑफ मैसेज कितने होंगे एन तो एम स्केयर इंटू एल्फा अब ये क्या चीज है एम आई आर आई का स्केर ये टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है पूरी बॉडी का ये क्या है टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है पूरी बॉडी का तो, तो मालूम है, है, तो है आई इंटू एल्फा आई क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी और आई किसके बराबर है आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई का स्केयर ये मोमेंट ऑफ एनर्जी है रिजिड बॉडी का वो रिजिड बॉडी जिसको हमने एन नंबर ऑफ़ मैसेज में डिवाइड किया था जो कि मुश्तमिल थी एन नंबर ऑफ मैसेज में हर एक का मैस हमने देखा था और उस फिर हमने देखा कि हर मैस का जो है उसके आ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस फिर हमने देखा फिर हर मैस का हमने लादा -लादा मैस जो है टॉर्क फाइंड आउट किया फिर हमने उसका जो है टोटल टॉर्क फाइंड आउट किया टोटल टॉर्क फाइंड आउट करने के बाद जो है हमने इसमें देखा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आया हमने इसको जो टॉर्क लिया था टॉर्क में से हमने यहाँ पे देखिए ये स्मेशन ले लिया स्मेशन में जो है आ, सब में सब का सम आ जाएगा इसका जितने भी मैसेज नंबर ऑफ मैसेज हैं Uh, हमारे पास एन नंबर ऑफ मैसेज है उनका सम आ गया तो ये वाला जो पार्ट है ये मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया कहलाता है ये है हमारा आज का टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज़ द एंड ऑफ द तो टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं थैंक यू अल्लाह हाफिज़